जी तो हफ्ते नजर आते एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं खूबसूरत से ब्लॉग के साथ आपका दिमाग खाने के लिए। How are you? Okay, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिस जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को करें सब्सक्राइब। Please to channel my sakarpara sakarpara sukrpa sikrpais sukrpais और वीडियो को करें लाजमी लाइक और घंटी के निशान को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट व्लॉग में जो है इसके आगे सारी दीवार लगा देंगे क्योंकि वहाँ पे आगे दरख्त लगे हुए हैं पौधे लगे हुए हैं फूल लगे हुए हैं तो जानवर आके उसको उनको खा जाते हैं तो इसलिए हमने आगे ये दीवार लगा दिया है और हमने एक और भी सिस्टम किया है जो कि ये सब हमने कल किया है यहाँ पर भी हमने दीवार लगाई है और ये यहाँ पे एक द्वार लगेगी और यहाँ पे एक दरवाज़ा लगाएंगे ताकि एक तरफ जो है रास्ता बंद हो जाए तो फिर हमारी कुछ इसकी सेफ्टी हो जाए पौधों की भी और भी सारी चीज़ों की। तो आज के लोग बता दूं कि उसका क्या सीन है उसका ये सीन है कि सफाई सफाई करनी है पार्टी के लिए कुछ जगह जगह अरेंज कर रहे हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे। अभी हमने स्टॉप किया हुआ है सबको मैंने बोला है कभी चैनल ना सब्सक्राइब करें जब मैं मतलब आपको कहूँगा लाइव आऊँगा तो तब आप सबने चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ एक चीज़ अगर वो मुझे मिल जाए तो सफाई करनी है ऊपर की और इस व्लॉग में जितनी भी एक दो तीन जितने दिन में मतलब पार्टी की जितनी तैयारियाँ होंगी वो सब इस व्लॉग में बताई जाएंगी बाकी हम सब्सक्राइबर जो है चेज़ करने के लिए उनको बढ़ाने के लिए लाइव आएंगे। पार्टी हमने करनी है दूसरे घर में इस हाल में बाहर बरामदे में रेत को उठा के अंदर रखना है टाइलों को उठा के उस अंदर रखना है और उनको भी उठा के अंदर रखना है और ये भी बाकी सारी सफाई करनी है और सबको अंदर करना है ये हाल बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है झाड़ू झाड़ू लगा के लश पश करके रख देना है। और उसके बाद हाँ मशरूमों का रिव्यू मैंने आपको नहीं करवाया था शायद वो रमज़ान में कराया था उस टाइम बन रही थी तो अभी जो है ये टाइलें लग गई हैं सीड लग गई है एक ये वाली हो गई है इसके अंदर भी सीड लग गई है और टाइलें लग गई हैं कंप्लीट। उसके बाद जो मुझे टाइलें अच्छी लगी हैं वो ये वाली हैं ये मुझे बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लगी हैं कलर भी इनका और जो इनका सिंपल डिज़ाइन है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा शायद आपको सही नज़र ना आ रही हो ये आप देखें आप सही आएंगे ये देखें इनका डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और जिन भाइयों ने इनको लगाई हैं उन्होंने बहुत खूबसूरती से लगाई हैं तो अभी हम करते हैं सफाई स्टॉप छोड़ के जी अभी मैं गाड़ी धोने लगा हूँ क्योंकि कश्मीर फोर्की हो गई है तो अबू जा रहे हैं उधर तो मुझे क्या है थोड़ी सी गाड़ी को सरोस मरोस कर दो यस पस कर दो अभी मैं ज़रा गाड़ी को यस पस करने लगा हूँ बहुत अर्जेंट 5-10 मिनट में गाड़ी को है फुल वॉश करना जो मेरा काम है आज वो तो सारा रह गया पहले मैंने सिर्फ उठा के रेत अंदर की है फिर मैं चला देते चला गया था अगर काम था चला देते थे एक तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आया तो पता लगा फोती हो गई है फिर अबू साहब कहते हैं गाड़ी दो गाड़ी दो ही है तो गाड़ी अभी आधे में ही थी तो कहते हैं जी जाओ गोल्डा मोड़ तो अभी हम जा रहे हैं गोल्डा मोड़ वापस आएँगे इंशाल्लाह अंधेरा हुआ होगा तुम्हारा काम आधे में तो आज हमारे पास कुदरती तौर पर रेल गुजर के जा रही है वाह सारे बच्चे बीच में कैप्चर हो रहे हैं वो एक बाय बाय कर रहा है जी बाहर का मसला ओह दरिया नीलम के पास से हम गुजर रहे हैं अभी तो वो देखिए आप चली गई और हम भी उसके पीछे दौड़ लगाते हैं अब हमने कल स्टार्ट किया था लेकिन कल हम कहीं मुसरबियात में आगे पीछे काम मुकम्मल नहीं कर सके आज हमने काम मुकम्मल कर दिया झाड़ू झाड़ू सारा लगा दिया टोटल छत पे लाइफ हो गया कल अब हम यहाँ पे करेंगे पार्टी तो इंशाल्लाह मिलेंगे भी कल ही आपको तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। भाई कौन से काम को आप लगे हुए हैं वाह क्या आपने लकी कबूतरी पकड़ी है चेक करवाए हम ये बेचने लगे वाह 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 क्या आँख है इसकी ये पकड़े 6-7 साल से है तो मैंने इतना चमकाया था कि उसी दिन पार्टी आई और गाड़ी हमारी सेल हो गई अभी ये गाड़ी खड़ी हुई है सेल होने के लिए और फादर साहब जो है शायद ऊपर कहीं दफ्तर में बैठ रहे या मुझे देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे तो अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय ये आज जो है सेल हो जाएगी फिर इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद हम आपको एक और सरप्राइज देंगे। 11-3 से लेने आए हैं जी ये हमने कौन सा पेड़ पसंद किया है ये वाला ये और देखते हैं कि अगर छोटा मिल जाए तो वो वाला ले लेंगे बाकी फिर इंशाल्लाह शाम को आपको चेक करवाएंगे इसके ऊपर अभी लिखवाना है कुछ
वो लिखवाएंगे, फिर उसके बाद शाम को लिखाएंगे क्या लिखाया है। जो मेरे आगे बस जा रही है ना, इस बस के साथ करंट लगा हुआ है, जो ये कह रही है फासला रखें। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख लें, कह दिया फासला रखें। तो हम इसकी साइड से गुजर जाते हैं क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है करंट। ठीक है, इसकी साइड से हम लाट नंबर हम फाड़ के ले आए हैं, इनको आप फ्रिज में रखें। ये तो खिसक गया है क्योंकि रास्ते में ठंडे 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 बहुत ज़्यादा थे, और ये खिसक गया है। और इनको आप जो है हम फ्रिज में रख देते हैं शाम तक, इनको फ्रीज़ कर देते हैं, फिर उसके बाद फ्रीज़ करेंगे यहाँ पे। घर हम पहुँचे हैं, अब एक दो बंदों को कॉल करनी थी, उनको कॉल करते हैं इनविटेशन देने के लिए, आप उनका रिएक्शन देखिएगा। पहले हम कॉल करते हैं मामू को, जो कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और अब भी करते हैं। आइए करते हैं पहले उनको कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा, आपने शाम को आना है थोड़ा सा टाइम निकाल के, मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा टाइम जो है हमारी छोटी सी पार्टी के लिए निकालना है लाजमी। शाम को आपने 6 बजे इंशाल्लाह हाजिर हो जाना है। जिस तरह मर्जी, मैं कहता हूँ आपका शादी का जो 3-पीस सूट है वो आपने दूसरी बार तो नहीं पहना होगा, वो ही पहन के आ जाए। जी ठीक है, फिर आपने आना है शाम को। ये हमारे मामू थे जी, राशिद मामू, और अब हम कॉल करते हैं जी फाद भाई को, उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। वैसे रात को बताया था लेकिन अभी फिर उनको बता देते हैं। नहीं, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब फाद मलक साहब, क्या आपको क्या हुआ है जो इतनी आहिस्ता आवाज निकाल रहे हैं? आप सोए हुए तो नहीं हैं? आप थोड़ा सा ऊंचा बोले ना, बराए मेहरबानी फरमाए ना। अच्छा, आप अभी तक सोए हुए हैं? मैंने आपको रात को बोला था कि पार्टी है आज, तो आप अभी तक सोए हुए हैं। आके काम शाम आपने करवाना है, को टेंट शेंट लगाने हैं, कुर्सियां चुर्सियां लगवानी हैं, लेकिन कोई नहीं, सोए हुए हैं अभी तक आप तो। मैंने कहा आपको बता दूं, फिर आपने आपको ये ना कहो कि बताया नहीं है मुझे। नहीं नहीं, आपने 6 बजे से पहले थोड़ा आना है, ठीक है? आप मुझे लेने आएंगे बाइक पे? लेने शेने वाला खाता नहीं है, तो आप 6 बजे से पहले, आप 5:30 बजे आप घर से चल के आ जाना, इंशाल्लाह आप 5:50 पे हमारे पास होंगे। बस वो आपका मसला है, मैंने आपको ये बोलना था कि आपने आना है या नहीं आना, वो मैं आपको बता रहा था, आना है बल्कि आपने। हैं? सीन ये है कि आपने 6 बजे आना है, 6 बजे हम लाइव बैठेंगे, फिर उसके बाद अगला सिस्टम करेंगे। 10-15 मिनट लाइव बैठेंगे, सब्सक्राइबर तो एक, बस हम लाइव आते गए तो समझे पूरे हो गए सब्सक्राइबर। ठीक है ना, फिर आ जाना 6 बजे से पहले थोड़ा। ओके, अल्लाह हाफिज़। दो ही बंदों को कॉल करनी थी, बाकी सब को जिनको पता है, बस इतने ज़्यादा बंदे बुलाए नहीं हैं हमने, तो थोड़े से बंदे बुलाए हैं उनको, बाकियों को पता है, इन दोनों को कॉल करनी थी, सब बता दिया जो है सारा। यस हो गया, चारपाइयाँ मैंने लगा दी हैं, कुर्सियाँ भी लगा दी हैं, अब सिर्फ टेबल और रात को लाइटें जो है वो ऑन कर देनी है, तो उसके बाद काम सारा यस है। तो ये वाला लोग करते हैं यहाँ पर एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और के साथ, बल्कि ये व्लॉग यहाँ पर एंड करेंगे, फिर उसके बाद पार्टी का एक अलग जो है हम व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि इसमें बनाया तो ये बहुत लंबा आ जाएगा, तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और के साथ किसी और का। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।